ब्रेकिंग न्यूज है सिद्धार्थनगर से, जहां आज राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाव विधायक प्रत्याशी 304 विधानसभा क्षेत्र बांसी आरएस पांडे ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया। आज जनसंपर्क अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भावी विधायक प्रत्याशी 304 विधानसभा क्षेत्र बांसी आरएस पांडे ने गोठवा, मेहरावा जोत, डड़वा घाट, बहादुरगंज, सुबही, नगवा ग्राम सभा जैसे दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जर्जर मार्ग, जर्जर हॉस्पिटल, जर्जर विद्यालय पर भी चर्चा करते हुए कहा कि यदि मुझे बांसी 304 विधानसभा की जनता वोट और आशीर्वाद देकर विधायक बनाए तो मैं वादा करता हूँ कि मेरे विधायक कार्यकाल में बांसी विधानसभा की जनता को अच्छे से अच्छा रोड और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करूंगा। इसी के दौरान ग्रामीणों ने बड़ी खुशी की लहर देखने को नजर आई। इस दौरान मनोज कुमार पांडे, प्रहलाद पांडे, अभिषेक पांडे, ज्ञानेंद्र प्रसाद, संदीप एवं समस्त लोगों का विशेष योगदान रहा। इसी के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावी विधायक प्रत्याशी 304 विधानसभा क्षेत्र बांसी आर एस पांडे ने अपने पदाधिकारियों के साथ प्रमोद तिवारी, सुमित मिश्रा, अमर उर्फ नन्हे सिंह पराग, डेरी मिल्क बांसी संजय कुमार, मुकेश दुबे, फागु आदि लोगों के साथ दर्जनों गाँव का जनसंपर्क किया। टीवी इंडिया 18 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे के साथ जिला संवाददाता रामधनी चौधरी की रिपोर्ट।